हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पानी वाली टूंटी के बारे में बताएंगे। दोस्तों, ये जो पानी वाली टूंटी है ये हल्का हल्का लीक हो रही थी दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार देखिए, जब हम इसको पूरा बंद करते हैं उसके बाद भी लीक रहती है। तो दोस्तों, इसमें मेन प्रॉब्लम है कंसील्ड की दोस्तों, ठीक है। ये हमारी कंसील्ड है, ये पित्तल की होती है दोस्तों। इसमें मेन खराबी ये आ जाती है कि इसके अंदर जो रबड़ होती है दोस्तों वो कट जाती है साल या छः महीने के बाद, क्योंकि जो रेता आता है दोस्तों तो उस रेते से इसकी जो रबड़ है वो कट जाती है, जिसके कारण ये हल्का हल्का लीक करने लग जाती है। तो दोस्तों, इसको चेंज करना बहुत ही आसान है। तो लास्ट तक वीडियो को देखें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी है, ठीक है। दोस्तों, लाइक कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों, देख सकते हैं ये इसके ऊपर की जो कैप है दोस्तों, ठीक है, साइड में इसकी एक पिन लगी होती है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम पेचकस से या हाथ से बाहर की तरफ निकाल लेंगे, ठीक है। निकालने के बाद दोस्तों एक एलकी आएगी, एलकी से दोस्तों हम इसको घुमाएंगे और नट बाहर आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों इसकी ऊपर की कैप खुल जाएगी। खुलने के बाद फिर हम चाबी से प्लास से इसकी जो कंसील्ड है उसको घुमाएंगे। घुमाने के बाद वो लूज हो जाएगी दोस्तों, उसके बाद हम कंसील्ड को चेंज कर देंगे। तो दोस्तों देखिए, हमने आपको बहुत ही आसान तरीके से बता दिया है कि जो हमारी टूंटी इसी घर के लीक होती है, हमें पूरी जो टूंटी है या नल है चेंज करने की लोड नहीं है। बहुत ही आसान तरीके से आपको बताएंगे और एक दोस्तों इसकी सफाई कैसे करें वो भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों, तो हम इसको ऐसे ही फिट कर देंगे जैसे हमने इसको खोला था, ठीक है। तो बहुत ही आसान तरीका है, ज़्यादा वो करने की लोड नहीं है। तो नीचे से देखिए दोस्तों, ये हम इसकी जाली को खोल लेंगे और खोलने के बाद दोस्तों आपको दिखाएंगे कि इसकी जाली में बहुत ही रेता और धूल मिट्टी गंदे ही बहुत है। तो इसको हम साफ़ कर देंगे इस तरीके से झाड़ कर या पानी में एक बार धो लेंगे इसको दोस्तों, और इसकी जितनी भी इसके अंदर डस्ट है वो सारी की सारी बाहर निकल जाएगी। और फिर से हम उसी प्रकार इसको भेड़ देंगे दोस्तों, इसमें टाइट कर देंगे अच्छी तरीके से जिस प्रकार हमने इसमें से खोला है, ठीक है दोस्तों। तो एक तो आपको कंसील्ड चेंज करनी बता दी दोस्तों, और एक इसकी सफाई भी हमने बता दी। कई बार सारी की सारी जो नल है या टूंटी है जो हमारी चेंज कर देते हैं, तो हमें सारी की सारी चेंज करने की लोड नहीं होती है दोस्तों, ठीक है। बस या तो ये लीक है तो कंसील्ड चेंज कर दे, और सफाई भी हमने करनी चाहिए दोस्तों इस प्रकार, इसके आगे जो जाली लगी होती है उसको खोल कर और अच्छी तरीके से उसकी सफाई कर दें। उसके बाद पानी में धोकर उसको फिर उसमें टाइट कर दें। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही।